हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टेक्निकल जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप लोग गूगल पे अकाउंट को अगर आप यूज कर रहे हो और दोस्तों आप लोग अपने गूगल पे अकाउंट के अंदर लिमिट को आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो दोस्तों लिमिट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ऑनलाइन खुद से, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना पड़ेगा शुरू से अंत तक। तो चलो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लाते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि मैं अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आ गया हूं, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि गूगल पे का लिमिट आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ट्रांजेक्शन लिमिट, यूपीआई लिमिट कैसे आप इंक्रीज करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने गूगल पे अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। जब यहाँ पर आपका गूगल पे अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर देखो, गूगल पे का लिमिट इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ऊपर की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे प्रोफाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर थ्री लाइन आपको दिख रहा है, थ्री डॉट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा गेट हेल्प का, आपको इस वाला ऑप्शन में चले जाना है। इसके अंदर दोस्तों जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा टॉप क्वेश्चंस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो राइट साइड में आप लिखा पड़ा वी ऑल, आपका वी ऑल वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक, इसके अंदर आपको जाना है। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों में क्या करना है, गूगल पे के अंदर जो लिमिट को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि गेट स्टार्टेड का, एड एंड एडिट बैंक अकाउंट का, सेंड एंड रिसीव मनी का, पे फॉर थिंग का, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसको पेमेंट अगर हम कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं तो पेमेंट जो फेल हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन लिमिट जो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो लिमिट को इंक्रीज करने के लिए आपको सेंड एंड रिसीव मनी वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर चार पांच ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आर्टिकल्स दिखेंगे जहां पर लिखा आएगा सेंड मनी, गेट और रिक्वेस्ट मनी, रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर मनी, लिमिट ऑन हाउ मच यू कैन सेंड, व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, लिमिट को इंक्रीज करना है, तो आपको लिमिट वाला ऑप्शन में जाना है नीचे से थर्ड नंबर पे, इसके अंदर आप चले जाना। इसके अंदर जब आप चले जाते हो तो यहाँ पर आएगा दोस्तों इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर देखो डेली लिमिट यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर कह रहे कि यू ट्राई टू सेंड मोर देन 1 लाख इन वन डे अक्रॉस ऑल यूपीआई ऐप। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आप एक दिन में जो 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है, गूगल पे अकाउंट के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह रहा है दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि यू ट्राई टू सेंड मनी मोर देन 20 times इन वन डे। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आप एक दिन के अंदर 20 बार ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, 20 बार आप यूपीआई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, यू रिक्वेस्ट मोर देन 2000 फ्रॉम समवन। यानी कि दोस्तों आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मनी किसी से, जो आपके ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा या आपका लिमिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 लाख का, 20 बार आप ट्रांजेक्शन कर लोगे। तो उसके बाद देखो आप जो सिर्फ 2000 रुपए ही आप रिसीव कर सकते हो किसी के भी यूपीआई से, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर दिखा दिया है कि डेली लिमिट कितना है, कितना आप यूज करोगे, कैसे आपको यूज करना है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसको फिक्स कैसे करना है, आप 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको जो अपना तरीका बताऊंगा, 1 लाख से अगर आपको ट्रांजेक्शन ज्यादा करना है तो उसके लिए आपको देखो क्या है कि अपने गूगल पे अकाउंट के अंदर जो है बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा, मोर देन 1, 2, 3 जितने भी आपका बैंक अकाउंट उसके अंदर ऐड करोगे उतना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर गूगल पे के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है यू कैन फिक्स दिस इशू बाय, यहाँ पे कह रहा है कि वेटिंग फॉर नेक्स्ट डे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, आपने मान लो कि 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आज कंप्लीट कर दिया तो अगले दिन का आपको वेट करना पड़ेगा दोबारा से 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो यहाँ पे लिमिट को अगर आपको इंक्रीज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई देखो इसका एक्चुअल कोई तरीका ऐसा नहीं है कि लिमिट को आप इंक्रीज कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन हाँ मैं तरीका बता सकता हूँ कि आप 1 लाख से कैसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकती हो। तो या तो आप देखो आप नेक्स्ट डे का वेट कर लो, या फिर आप इसके अंदर जो है 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट इसके अंदर आप ऐड कर लो, ठीक है। जैसे आप फोन पे के अंदर आप 1 से ज्यादा बैंक अकाउंट को ऐड करते हो तो वहां पर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लेते हो, उस प्रकार से आप इसके अंदर आप ऐड करते हो तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो 1 लाख से ज्यादा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आई होप आप समझ चुके हो कि गूगल पे के अंदर कैसे आपको 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।